आओ भारत की सीमा का दर्शन करें, आओ भारत की सीमा का दर्शन करें, एक दीपक शहीदों को अर्पण करें। आओ भारत की सीमा का दर्शन करें, एक दीपक शहीदों को अर्पण करें, और नफरतों से न हृदय को मैला करें, नफरतों से ना हृदय को मैला करें, प्रेम का गीत गा गा के वर्णन करें। प्यारे दोस्तों, आप सभी सम्मानित श्रेष्ठ आगंतुकों का मैं पंकज सिद्धार्थ बतौर संयोजक एवं संचालक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चूंकि कार्यक्रम अपने नियत समय से काफी विलंब से किसी कारणवश चला है, इस वजह से कुछ अनिश्चितता होने के कारण मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो हमारे दूर दराज से जो ऐसे नामचीन कवि आए हुए हैं, जो चाहे ओज के क्षेत्र में हो या श्रृंगार या हास्य विधा के, आज आप सबके दिल में अपने कविता का बीज बोने के लिए आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूँ कि जो स्वयं ही एक सशक्त ओज के हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं, पूरे देश में राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में छाए रहते हैं, जो हमारे हमनाम हैं बड़े भैया पंकज प्रखर जी, जो मऊ से हमारे मध्य चलकर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सभी उत्साह रूपी आशीर्वाद प्रकट करें मंच पर बड़े भैया पंकज प्रखर जी। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में एक कवित्री श्री शिखा श्रीवास्तव जी कुछ ही समय में हमारे मध्य उपस्थित होंगी, किसी कारणवश उन्हें आने में विलंब हो रहा है। इसके बाद हमारे इटवा क्षेत्र से जो गुरु की भूमिका रखते हैं और हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में साहित्य जगत में सदैव अपना स्नेह और आशीष बनाए रखते हैं, मैं उनको आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं। आदरणीय श्री ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी, कृपया आप मंच पर आएं और इसकी शोभा बढ़ाएं। इसी क्रम में हमारे मध्य बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से मोहब्बत के शायर के नाम से भी जाना जाता है और एकता और प्रेम का पैगाम लेकर भी इनकी शायरी पूरे देश में ही नहीं बल्कि कई सारे मुल्कों में यह अपनी कविता से अपने शायरी से लोगों के का दिल मोह लेते हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। भाई वसीम मजहर साहब, मैं अपने जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया तालियों से हर्षोल्लास प्रकट करें। भाई वसीम मजहर मंच पर। इसी कड़ी में एक और नामचीन हस्ती जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है हमारे मध्य, उसी फिराक गोरखपुरी के शहर से जो अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके हैं कई जगहों पर, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं बड़े अदब के साथ। भाई शाकिर अली शाकिर साहब मंच पर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। भाई हमारे जनपद के जो दोनों विधाओं में पारंगत हैं, हिंदी का गद्य विधा हो या पद्य विधा, मैं उस हस्ती को मंच पर बुलाना चाहूंगा मोहतरम न्यास कपिलवस्तु, जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, न्यास कपिलवस्तु साहब। इसी कड़ी में मैं एक और उस्ताद शायर को मंच पर बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बुलाना चाहूंगा, जो अदबी नशिस्तों के जरिए यहाँ के तमाम युवाओं को जो बीज हैं उनके माध्यम से पुष्पित पल्लवित होते हैं और समाज में आज उन्हीं की देन है कि कई सारे युवा शायरी जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर जावेद कमाल, मैं आपको आदर के साथ मंच पर बुलाता हूँ।
डॉक्टर जावेद कमाल साहब। इसी कड़ी में हमारे मध्य एक और जो समकालीन रचनाओं से लोगों के दिलों तक लोगों के दिलों में लहलहाते हैं फसलों की तरह, मैं मंच पर सिद्धार्थ नगर के एक और लाडले को बुलाना चाहूंगा जिसे संगसील झलक कहकर बुलाते हैं पुकारते हैं। जी, जी, जी एक और युवा कवि, एक और माँ भारती के लाल जो ओजस्वी कवि ओज की वाणी से आजकल पूर्वांचल में अपनी कविता से लोगों के दिलों में फूल खिला रहे हैं। मेरा इशारा है रुद्र रुद्र शुक्ला की ओर। रुद्र उत्कर्ष शुक्ला मंच पर। और इस जनपद की लाडली बेटी जिनके ऊपर शायद आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसकी भरपूर्ति करने के लिए मैं बहुत ही प्यार के साथ छोटी बहन सलोनी उपाध्याय को मंच पर बुलाना चाहता हूं, जो बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से आज के समय में यहां के जो भी कवि सम्मेलन है उसमें अपना नाम रोशन कर रही है, अपने जनपद का नाम बुलंद कर रही है। देशवासियों, हिमालय के पड़ोस में नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्र राजकुमार सिद्धार्थ की क्रीड़ा स्थली सिद्धार्थ नगर में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद द्वारा माननीय आदरणीय श्री नगर पालिका अध्यक्ष जी के सौजन्य से इस आयोजन को सार्थकता मिल पाई है। और आप सदैव साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में निरंतर अपनी भूमिका सुनिश्चित करते रहते हैं, वाकई जनपद के लिए एक गौरव का विषय है। और हमारे मध्य जितने भी जो ये आज ये दृश्य दिख रहा है, वाकई एक अद्भुत दृश्य, एक पर्यटन स्थल जो सुना सुना लगता था कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी कल्पनाएं करते थे, बहुत सारी चर्चाएं होती थी कि वाकई की नौगढ़ को एक पहचान मिले, आपके माध्यम से एक नई दिशा मिली है, नई पहचान मिली है, इसके लिए हम सभी जनपद वासी आपके आभारी हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी अभिभावक तुल्य श्रोता है, हमारे हृदय के रत्न है, हृदय से सम्मानित है। मैं आप सभी सम्मानित श्रेष्ठ आगंतुकों का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे मध्य अभी कई सारे समाज के ऐसे वरिष्ठ धरोहर अभी उपस्थित होने वाले हैं, मार्गदर्शक उपस्थित होने वाले हैं। और चूंकि कार्यक्रम अविलंब ही इसकी शुरुआत ही है, तो मैं चाहता हूं कि इसको एक दिशा मिले, इसका श्री गणेश हो। और मैं आवाज लगाता हूं कि आदरणीय बड़े भैया श्री शक्ति जायसवाल जी जहां कहीं भी हों, पोडियम के पास हमारे समक्ष उपस्थित हों।